Hello, as we had completed our first part, here we are with our second part. So we are doing that. So till now we have read part one, it means question one. And now we are going to have the second question answers what had been given by the other people. And let's start. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. But before the explanation, let me know what was the second question. Please pause the video and comment it in the section, in the comment section. Yes, please write it. Yes, the second question was which kind of people the king should meet. So some there said that the people most necessary to the king were his counselors. कुछ ने कहा कि जो इसके मुख्य सलाहकार जो हैं वही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनकी बात उसको सुननी चाहिए. अदर सेड द प्रेस कि जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जो कर रहे हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, जिनको हम प्रिस्ट बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स एंड डेफिनेटली एट दिस टाइम आई वुड ऑल्सो प्रेफर द डॉक्टर्स. कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं जिनको किंग को सुनना चाहिए, द किंग हैज़ टू लिसन टू द डॉक्टर्स. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ ने कहा कि जो सोल्जर्स हैं, जो राजा के सैनिक हैं, दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल एंड ही शुड लिसन टू द सोल्जर्स. नाउ टू द थर्ड क्वेश्चन. सो अगेन पॉज द वीडियो एंड प्लीज आंसर द थर्ड क्वेश्चन. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. Yes, the third question was what is the most significant action or what is the most significant thing the king should do. So some said science ki usko science ka jo bhi work hai, vigyan se related jo bhi hai, usko preference dena chahiye. Others chose fighting. Kuch ne bola ki fighting, because the king has to increase his kingdom, ki king ko apna jo expansion hai usko जो उसका किंगडम है उसको एक्सपैंड करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसको युद्ध करने पड़ेंगे. सो फ्यू सेड कि फाइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है जो राजा को करना चाहिए. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. और हालांकि कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो रिलीजियस वर्शिप्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो राजा को करनी चाहिए. जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर टू बी डन बाई द किंग एंड दे आर वेरी सिग्निफिकेंट. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. अब जैसा कि जो आंसर्स क्वेश्चन के जो दिए राजाओं को लोगों ने, दे वर वेरी डिफरेंट एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. दस ही डिड नॉट गिव एनी मनी इन टर्म्स ऑफ द रिवॉर्ड. उसने कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, कुछ इनाम नहीं दिया, कुछ पैसा नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मेट. बल्कि उसने क्या डिसाइड किया कि मैं जो एक वो अमुक जो ऋषि मुनि हैं उसके पास जाऊँगा, उसकी सलाह लूँगा. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. जो ज़्यादा फेमस था, हु वॉज वेरी फेमस फॉर हिज विजडम एंड इंटेलेक्ट, जो अपनी बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा जाना जाता था. उस हर्मिट के पास, उस ऋषि के पास राजा ने जाना प्रेफर किया. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. जो हर्मिट था वो एक उसमें रहता था, जंगल में रहता था और जंगल से कभी बाहर नहीं गया था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल. वह कभी भी मतलब रिच लोगों के सामने नहीं गया, उनसे नहीं मिला, सिंपल ऑर्डिनरी पीपल से हमेशा वो मिला. सो एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. इसीलिए राजा ने जो है जो साधारण कपड़े हैं उनको पहना. बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड. और जो हर्मिट की हट है, जो उस ऋषि मुनि की जो कुटिया थी, जो हट थी, उसमें पहुंचने से पहले ही उसने अपना जो घोड़ा है वो अपने बॉडी गार्ड्स के साथ ही छोड़ दिया और अकेला आगे चल पड़ा. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट.
और जैसे राजा आगे गया हर्मिट की हट के पास, उसने हर्मिट को ग्राउंड में कुछ खोदते हुए देखा। ही वॉज डिगिंग, वो खोद रहा था, खुदाई कर रहा था अपनी हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, उसने राजा को ग्रीट किया, विश किया और अपना डिगिंग का काम जो है वो कंटिन्यू करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीदेड हैवीली, जो हर्मिट था वो बूढ़ा था, कमज़ोर था और जैसे जैसे वो काम कर रहा था उसकी जो सांस है वो फूल रही थी। ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions। राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान ऋषि मुनि, और मुझे 3 questions के आंसर चाहिए। और वो questions ये हैं, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैं कैसे ये लर्न कर सकता हूँ कि राइट थिंग जो भी हमें करनी है उसका राइट टाइम क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम, कौन से टास्क हैं, मैटर्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मैं इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स चाहता हूँ। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, अब जो हर्मिट था उसने ही लिसन बट ही डिड नॉट रिप्लाई। ही वेंट ऑन डिगिंग, ही कंटिन्यूड वॉट ही वॉज डूइंग। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। फिर राजा कहते कि भाई तुम अब थक चुके हो, मुझे अपनी स्पेड जो है, आपकी जो कुदाल जो है, आपका जो टूल है वो मुझे दे दो, एंड आई विल डू इन प्लेस ऑफ यू। थैंक्स, सेट द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और राजा ने को वह अपनी जो कुदाल है, जो अपना स्पेड है, उसको देता है हर्मिट और धन्यवाद बोलता है और ग्राउंड पर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 beds, बेड से मतलब जैसे आपने अपने देखा, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो यू मस्ट हैव सीन कि जो इन आर लैंग्वेज वी से इट क्यारी, आपके जो जो आपने जो खुद से जो गार्डनिंग एरिया का रखा है वहाँ पे छोटे छोटे हम सेक्शंस बना देते हैं, एंड दिस सेक्शन इज़ नोन एज बेड्स। सो व्हेन द किंग हैड डग 2 beds, जो 2 sections थे ग्राउंड में, व्हेन ही हैड डग 2, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। अब उसका तो मन में यही था कि ही वॉज क्यूरियस टू नो द आंसर्स ऑफ द 3 questions, सो अगेन ही रिपीटेड। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, लेकिन जो हर्मिट है उसने फिर से कुछ रिप्लाई नहीं दिया, खड़ा हुआ, अपने हाथों को स्ट्रेच किया और स्पेड के हाथों को स्ट्रेच करके स्पेड को मांगा कि लाओ भैया मुझे दे दो, अब तुम रेस्ट करो एंड लेट मी वर्क। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा को भी, क्योंकि राजा को ये था कि अभी फिर से काम करने लग जाएगा, फिर मेरे आंसर्स नहीं देगा, बट राजा कंटिन्यू करता रहा, उसको स्पेड नहीं दिया राजा ने। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, द सन ऑल्सो सेट, सूर्यास्त भी हो चुका है, एंड एट लास्ट सूर्यास्त होने लग गया है, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेट। अब राजा भी बेचारा लास्ट में फिर क्या करता है, उसको स्पेड को एकदम ग्राउंड में ऐसे स्टक करता है, उसके अंदर घुसाता है और फिर खड़ा हो जाता है और कहता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। कि ऋषि जी, मैं आपके पास बुद्धिमान आदमी, इंटेलिजेंट मैन, मैं आपके पास कुछ आंसर्स पता करने के लिए आया हूँ मेरे क्वेश्चंस के, अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं देना है तो मुझे बताओ ऐसा, ताकि मैं अपने घर जाऊँ। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेट द हर्मिट, फिर हर्मिट उसकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन कहता है कि अरे रुको रुको, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, सुनो। सो दिस वे वी कम्प्लीट आवर part 1, एंड योर होमवर्क इज़ टू डू द कॉम्प्रीहेंशन चेक ऑफ दिस part 1। Okay, you have to do these 2 questions in your notebook, and if you don't have any new notebook at this time, you can use the previous notebook's pages as well, and we can staple or paste those pages later. Okay, the 2 questions are, first, why did the king want to know answers to 3 questions? I think you all can do it. Second question, messengers were sent throughout the kingdom. Now, out of the 4 options, you have to choose the correct one. Let's continue part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. और जैसे ही हर्मिट बोलता है कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है,
तो किंग मुड़ता है और एक दाढ़ी वाले आदमी को देखता है जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके जो हाथ हैं उसके स्टमक को दबा रहे थे, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उस स्टमक में से जो है ब्लड निकल रहा था, मतलब खून निकल रहा था पेट में से। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, और जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा वो अनकॉन्शियस हो गया, वो मूर्छित हो गया, वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैनस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, राजा ने उसका जो मैन ने जो क्लोथिंग पहन रखी थी उसको हटाया और एक बड़ा सा वुंड जो है उसके स्टमक पे मिला, एक बड़ा सा घाव उसके स्टमक पे देखने को मिला। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसको धोया और अपने जो उसके पास हैंडकरचीफ था, जो रुमाल था, उससे उसको कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड है वो रुक ही नहीं रहा था, वो बहे जा रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और किंग उसकी जो ड्रेसिंग है पट्टी करता ही रहा, रीड्रेसिंग करता रहा जब तक कि उसका जो खून है वो रुक ना गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब जो पीड़ित आदमी था, जो पेशेंट था, उसको थोड़ा बेटर फील हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, राजा ने फ्रेश वाटर दिया और फ्रेश वाटर लेकर आया और उसको ऑफर किया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, अब इस समय तक सूर्य जो है अस्त हो चुका था और जो हवा है वो भी ठंडी चल रही थी, सो नाइट टाइम है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वॉन्टेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और राजा ने हर्मिट की हेल्प से उस जो वॉन्टेड मैन है, जो घायल आदमी था, उसको उठाया और हट के अंदर ले गया और हट में जो बेड है उसके ऊपर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद की वो चुपचाप शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अब राजा बेचारा इतने लंबे दूर से चल के आया, फिर उसने इतना काम किया, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी फर्श पर लेट जाता है एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता ही रहता है। मींस ही वाज टायर्ड, ही वाज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, सो इट वाज ऑब्वियस दैट ही वाज गोइंग टू हैव अ साउंड स्लीप। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और जब तक वह उठा तो उसको मतलब कुछ समय भी लगा कि भाई मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, उसको मतलब ही वाज इन सच अ साउंड स्लीप वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, फिर वो रिकलेक्ट करता है कि भाई अच्छा ये ऐसे जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था उसके बेड के पास लेटा हुआ हूँ मैं ऐसे ऐसे। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, अब जो दाढ़ी वाला आदमी है वो कहता है मुझे माफ़ करो, एक बहुत ही वीक वॉइस में धीरे से बोलता है। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब वो देखता है कि राजा जाग चुका है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, अब राजा कहते हैं मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हें माफ़ करने की तो कोई बात ही नहीं है, तो मतलब किस बात की माफ़ी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, कहते तुम मुझे नहीं जानते राजा लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को तो डेथ पेनल्टी दे दी थी, उसे मृत्युदंड दिया था और मेरी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया था, उसको रोक दिया था, मेरी प्रॉपर्टी सारी स्नैच कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझको ये पता था कि तुम इस हर्मिट के पास अकेले आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना माइंड बना लिया था कि जब तुम घर की तरफ वापस जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आई विल किल यू। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया तुम वापस आए ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसीलिए जहाँ मैं छुपा हुआ था मैं वहाँ से निकल कर आ गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और जो तुम्हारा बॉडी गार्ड था उसके पास आया। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिसने मुझको पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, उसने मुझको घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं उससे तो बच निकला लेकिन मैं मर जाता अगर तुमने मेरी पट्टियाँ नहीं की होती मेरे घावों पर। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था।
एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचा ली. नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं अब जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अब मैं तुम्हें तुम्हारा जो सबसे आज्ञाकारी, जो लॉयल सर्वेंट है, जो नौकर है, उसकी तरह तुम्हें सेवा करना चाहता हूँ तुम्हारी. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. और मेरे जो बच्चे होंगे, मेरे जो बेटे होंगे, उनको भी यही कुछ करने के लिए मैं कहूँगा, यानी कि तुम्हारी सेवा में वो भी समर्पित हैं. फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली. अब राजा अपने जो दुश्मन के साथ था, उसके साथ इस तरह से शांति स्थापित हो जाएगी, इतनी ईजिली स्थापित हो जाएगी, तो वो खुश था इस बात के लिए. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और मोर ओवर ही हैड बिकम हिज फ्रेंड, तो और भी ज़्यादा खुशी थी उसको. ही नॉट ओनली फॉर गेव हिम, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. ना केवल उसने उसको माफ़ किया, बल्कि ये कहा कि मैं तुम्हारे पास मेरे खुद के जो सर्वेंट हैं, मेरे जो खुद के डॉक्टर हैं, तुम्हारी केयर के लिए भेज दूँगा. एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और उसको ये भी प्रोमिस किया कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी मैंने सीज कर रखी है, वो तुम्हें मैं रिटर्न कर दूंगा. लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट. अब उस वुंडेड मैन को, उस घायल आदमी को वहीं पर छोड़ के राजा उस हट से बाहर आता है और हर्मिट को ढूंढता है चारों तरफ. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस. उसको ये था कि अब मैं वापस जाऊँ से पहले एक बार और पूछ लेता हूँ राजा से मेरे क्वेश्चंस के आंसर. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बिन डग द डे बिफोर. हर्मिट जो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, और जो कल जो क्यारी खोदी गई थी, जो बेड जो डग डिगिंग का जो काम किया था, वहाँ उस एरिया में, उस सेक्शन में वो बीज बो रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. राजा उस हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. अगेन ही रिक्वेस्टेड कि ओ हर्मिट, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. अब हर्मिट कहते हैं तुम्हें तो ऑलरेडी आंसर किया जा चुका है, और वो अपना काम वही कर रहा है, ग्राउंड पे बेंड करके और किंग की तरफ देखते हुए जहाँ राजा खड़ा था, अपना काम कंटिन्यू करा. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. अब किंग है थोड़ा पजल्ड, वो कहते हैं कि मुझे कैसे आंसर मिल चुके हैं, अभी तुम क्या कहना चाहते हो. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मेट. अब कहते हैं अच्छा तुमने नहीं देखा क्या अभी तक. इफ़ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे. कहता अगर तुमने मेरी जो वीकनेस है, मेरी जो कमजोरी है, उसके ऊपर दया नहीं दिखाई होती, पिटी नहीं शो किया होता, तो तुम ये बेड्स जो हैं, जो ये सेक्शन जो तुमने डिग किए हैं, उनको नहीं करते और तुम ऐसे ही चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू. और तुम अगर ऐसे ही चले जाते, मुझे इग्नोर करके चले जाते, तो ये जो आदमी था, ये तुम पर अटैक करता. एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. और फिर तुम्हारे मन में ये विश होती कि अरे काश मैं हर्मिट के पास ही रुक जाता, उसी की मदद कर देता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम बेड्स डिग कर रहे थे. क्यों? इससे एक तो तुम दूसरे की हेल्प कर रहे थे, दूसरा तुम अपनी जान बचा पाए उस बात के कारण. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था, क्योंकि तुम मेरे लिए अच्छा कर रहे थे और यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम था तुम्हारे लिए. आफ्टर वर्ड्स वेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ कर आया, आफ्टर वर्ड्स वेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. और जब वो वुंडेड आदमी तुम्हारे पास आया है, तो उस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था, जो जिस समय तुम उसकी केयर कर रहे थे, वही इम्पॉर्टेंट टाइम था. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, अगर तुमने उसके घावों को नहीं ड्रेसिंग की होती, उसकी नहीं देखभाल की होती, उसको लुक आफ्टर नहीं किया होता, तो वो मर चुका होता. और अगर वह मर जाता, तो वह तुम्हारे साथ शांति स्थापित करके नहीं मरता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. इसीलिए वो क्या है, तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था. And what you did for him was your most important business. और जो तुमने उसके लिए किया, वही सबसे important काम था. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. और फिर hermit finally अपनी जो उसने जो puzzle उसके सामने फेंकी हुई थी, उसको conclude करता है
कि इस चीज़ को हमेशा याद रखो अब आगे से कि एक ही टाइम होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, वो टाइम है नाउ, अब, यानी हमारा प्रेजेंट. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, यही सबसे सिग्निफिकेंट टाइम है कि हम जब जब हमारे अंदर शक्ति है एक्ट करने की, कुछ करने की. सो एंड डेफिनेटली बेटा यही सेम चीज़ एप्लीकेबल है आपके प्रेजेंटली. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, योर प्रेजेंट. आपको बिल्कुल एक्ट करना है, और एक्ट अब की बार आपको घरों में बैठ के करना है, घरों से बाहर नहीं करना है. लेट्स कंटिन्यू. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्सन होता है, जो मोस्ट नेसेसरी जो पर्सन है, वो वह होता है जिसके साथ अभी एक पर्टिकुलर मोमेंट में आप हो. आपके लिए वही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स और नॉट. और हमें नहीं पता आगे हम कहीं किसी से मिलने वाले भी हैं या नहीं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड. और तुम्हारे सामने जिस पर्टिकुलर समय पे जो आदमी है उसके साथ अच्छा करना ही तुम्हारा इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, तुम्हारा इम्पॉर्टेंट अफेयर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर है. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इस संसार में सिर्फ और सिर्फ यही काम करने के लिए भेजा गया है, एंड दैट इज़ टू डू गुड विद अदर्स. सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय, एंड दिस हैज़ बीन अ रीटोल्ड स्टोरी. Today's homework is to do the comprehension check, and tomorrow I shall share the assignment with you, means all the question answers will be shared with you, and you have to understand them and write in your notebook. All these 8 question answers will be forwarded tomorrow in form of an assignment. और आप अभी ही बैठ के वर्किंग विद लैंग्वेज ऑल्सो यू हैव टू डू. सो टुडेज होमवर्क इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्रीहेंशन चेक एंड वर्किंग विद लैंग्वेज. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग यू नीड नॉट टू डू, मीन्स यू डोंट नीड टू राइट इट, बट येस डेफिनेटली स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. ऑल राइट, सो today's homework is only this working with language and comprehension check. Tomorrow we shall do the question answers of lesson question number 128, plus we shall be discussing speaking and writing. Till then, bye bye, take care, have a nice day, bye.